हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट और आरसी फायरिंग सर्किट को फिनिश कर चुके हैं। अब दोनों में क्या प्रॉब्लम आई कि हमको यूजेटी लाना पड़ा। यूजेटी का फुल फॉर्म क्या है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, मोस्ट यूजफुल जो हमारा फायरिंग सर्किट है दैट इज यूजेटी। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की गेट के सिलेबस में जरूरत नहीं है, अदर देन गेट एग्जामिनेशन या फिर यूजी लेवल पे नहीं, जब एमटेक लेवल पे यूजेटी का नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आरसी अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, रजिस्टेंस फायरिंग सर्क्यूट एंड आरसी फायरिंग सर्क्यूट। इसमें प्रॉब्लम क्या था? ड्यू टू रजिस्टेंस मोर पावर डिसिपेशन होता था। एक तो ये प्रॉब्लम थी, मोर पावर डिसिपेशन होता था। दूसरा प्रॉब्लम एक और था, ये तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, दूसरी बड़ी जो प्रॉब्लम थी इसको हम लोग एज अ रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट और आरसी फायरिंग सर्किट को ऑटोमेशन या फिर हम ये बोल सकते हैं फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम उसमें यूज नहीं कर पाते थे। रेजिस्टेंस फायरिंग सर्क्यूट और आरसी फायरिंग सर्क्यूट को हम लोग फीडबैक कंट्रोलर जैसा या फिर हम लोग फीडबैक जो कंट्रोल सिस्टम में हमारा फीडबैक लूप लगता है उसमें यूज नहीं कर पाते हैं, और ना ही ऑटोमेशन में यूज कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें यूजेटी को लाना पड़ा। यूजेटी को इस वजह से लाना पड़ा क्योंकि आर और आरसी फायरिंग सर्क्यूट में ये सुविधा अवेलेबल नहीं थी। तो बिकॉज ऑफ दिस डिसएडवांटेज हम लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया? यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब देखिए होता कैसा है, बड़ा सिंपल सा ट्रांजिस्टर है ये। इसका अगर हम लोग वो बनाएं यहाँ पे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। थ्री टर्मिनल डिवाइस है। ये इसका सिंबल है, ये एमिटर है और ये बेस है, B2 या B1 कुछ भी बोल लो। तो ये हमारे मेन टर्मिनल है B1 और B2, और ये हमारा कंट्रोलिंग नॉब है एमिटर। तो थ्री टर्मिनल का हमारा यूजेटी होता है। अब देखिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा यूटिलाइज करें, किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे वो देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास में ये एक तरह का यूजेटी है, इसको वाइट से बनाते हैं। ठीक है, ये सिंबल है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर एक रजिस्टर ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज्वाइन कर देते हैं और एक रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर बाइसिंग कर रहे हैं, ये डिवाइस का सिंबल, इसके ऊपर हम लोग बाइसिंग कर रहे हैं। और अब हम लोग इसका इस रेजिस्टेंस का नाम रख देते हैं कि RB2 और इसको बोल देते हैं RB1, और इन दोनों को हम लोग जो सप्लाई देंगे वो कॉमन VBVB DC वोल्टेज, ये प्लस VB है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स में क्या होता है, डायरेक्ट बैटरी को सिंबलाइज करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे बैटरी लगा देते हैं, प्लस 5 वोल्ट जो भी है ये DC बैटरी है हमारी। और ये जो वोल्टेज है दोनों में डिवाइड होगा और किस तरीके से डिवाइड होगा आगे चल के मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक लूप और लगा देंगे इसमें एक लूप और लगा देंगे। इस कॉमन बैटरी से हम लोग एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे जो कि वेरिएबल होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये है हमारा एमिटर का जंक्शन। ठीक है, इन जंक्शन को हम लोग B1 B2 बोल सकते हैं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, एमिटर जंक्शन। और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कैपेसिटेंस, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक कैपेसिटेंस, सी कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हमें अब आउटपुट कहाँ पे लेना है, हमें आउटपुट यहाँ पर लेना है, यहाँ पर हमें आउटपुट बनाना है, यहाँ पे हमें क्या लेना है, आउटपुट बनाना है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली इस एमिटर को क्या कर देंगे ओपन, ये वाला जो टर्मिनल ओपन है तो इस बैटरी की हेल्प से, इस रेजिस्टेंस की हेल्प से ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा, है ना। कॉन्सेप्ट समझिएगा। सबसे पहले क्या होगा, इनिशियली ये वाला जो एमिटर है टर्मिनल ये ओपन रहेगा और ये बैटरी की हेल्प से इस रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग इस कैपेसिटर को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ये जब चार्ज हो जाएगा इसमें वोल्टेज आ जाएगा, है ना, स्टोर हो जाएगा एनर्जी, ½CV2। वोल्टेज आ चुका है मतलब कि जो एनर्जी स्टोर है वो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, और यही एनर्जी वापस डिस्चार्ज होगी। जब ये वापस से इसको क्लोज कर देंगे एमिटर के साइन को तो ये वापस डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, इस रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस में क्या होगा, डिस्चार्ज के थ्रू यहां पर करंट आएगा, रेजिस्टेंस पहले से है तो यहां पर हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट।
दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इस रेजिस्टेंस की हेल्प से हम लोग इसको चार्ज करेंगे, देन डिस्चार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। और यहां पर हम ये बोल सकते हैं, देखिएगा यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा VBR, VBR वोल्टेज, VB इसके अक्रॉस VRB1, ये वोल्टेज अगर लिखना हो तो ये पर्टिकुलर जो वोल्टेज रहेगा सप्लाई वोल्टेज ही डिवाइड होगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लीजिए, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या हो जाएगा, RB1 डिवाइडेड बाय RB1 प्लस RB2 इनटू इनटू टोटल वोल्टेज कितना है VBB। और इसको बोलते हैं हम लोग, इस पूरे को RB1, इस पूरी टर्म को हम बोल देंगे ईटा, नॉट एफिशिएंसी, बताता हूं क्या है ये ईटा, ठीक है। ये हो गया हमारा ईटा। अभी जो ईटा है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ फैक्टर, स्टैंड ऑफ फैक्टर, इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब देखिए जब ये यहां पर चार्ज होगा तो चार्ज कितने वोल्टेज से होगा, ये जो चार्ज का वोल्टेज रहेगा ईटा टाइम्स वीबीबी, ईटा टाइम्स वीबीबी, ठीक है। तो ये जो चार्जिंग वोल्टेज है इनिशियली क्या रहेगा, एमिटर ओपन रहेगा, सारा का सारा करंट यहां से पास होगा, तो विद द हेल्प ऑफ दिस रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज होगा, और कितने वोल्टेज से चार्ज होगा, ईटा वीबीबी। जब एमिटर को क्लोज कर देंगे वापस से तब आपका ये जो है ये वापस से क्या रहेगा, डिस्चार्ज होगा, और ये डिस्चार्ज होके इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा और यहां पर करंट एक जाएगा उसके हिसाब से आरबी वन, मतलब रेजिस्टेंस से करंट है तो यहां पे वोल्टेज, तो आउटपुट हमें यहां देखने को मिलेगा। तो इसका वेवफॉर्म अगर हम लोग बनाए, वेवफॉर्म बनाए अगर हम लोग, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूं आपके लिए, दिख रहा होगा ना, नोट्स बनाने में आसानी रहेगी, सब एक ही साथ में दिख रहा है। इसका अगर हम लोग वेवफॉर्म बनाए, वेवफॉर्म बनाए, चलिए इधर ही मैं बना देता हूं वेवफॉर्म, इस साइड ही बना देता हूं, ठीक है। सो हम लोग वेवफॉर्म अगर यहाँ पे बनाएं तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले हम लोग इस वीसी वोल्टेज, ठीक है, ये इस वीसी वोल्टेज को बनाते हैं, मतलब ये एन बीटा, ये कैपेसिटर का एक नॉर्मल सा बना रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं कोई वेवफॉर्म नहीं बना रहा हूँ इसका, क्योंकि ये अभी क्या है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है, एग्जैक्टली यूजेटी नहीं है, यूजिंग जंक्शन ट्रांजिस्टर जैसे एज अ फायरिंग सर्क्यूट यूज नहीं हो रहा है, जस्ट ये अभी क्या है हम लोग का रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ये अभी सिर्फ और सिर्फ क्या आप समझ रहे हैं हम लोग, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर प्रॉपर, अभी हम लोग SCR को टर्न ऑन होने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, अभी सबसे पहले हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर को समझ रहे हैं, उसकी वेवफॉर्म समझ रहे हैं। तो मान लीजिए यह कैपेसिटेंस है, अभी हम लोग ईटा वीबी इस डिस्कशन में नहीं जा रहे, कोई भी कैपेसिटेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वीसी वोल्टेज, वो किस तरीके से वेरी होगा, चार्जिंग होगा, चार्जिंग होगा, देन डिस्चार्जिंग होगा, चार्जिंग होगा, देन डिस्चार्जिंग होगा, इस तरह से वेवफॉर्म चलता रहेगा, इस तरीके से वेवफॉर्म चलता रहेगा, ठीक है। और हमें यहां पे जो आउटपुट है इसके अक्रॉस, जो आउटपुट है इसके अक्रॉस, ये जो आउटपुट वेवफॉर्म है ये कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा कि यहां तक हमारा पहले क्या हुआ, चार्ज हुआ, जब ये ऑन कब हो रहा है, यहां वोल्टेज, यहां आउटपुट वोल्टेज कब मिल रहा है हमें, आउटपुट वोल्टेज जब मिल रहा है जब आपका कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर क्या मिल हो रहा है आपका, डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज जो कैपेसिटेंस है उसी के हिसाब से हमारा वेवफॉर्म, जो कैपेसिटेंस जिस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है उसी तरीके से हमें पल्स मिल रहा है, पल्स मिल रहा है, उसी तरीके से हमारा क्या मिल रहा है, पल्स, जैसा कैपेसिटेंस है वैसा ही हमारा क्या हो रहा है, पल्स मिल रहा है। और ये जो पल्सेस मिल रही है इन्हीं पल्स से हम लोग क्या करेंगे, SCR को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसी पल्स से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आउटपुट में जो पल्स मिल रही है इन्हीं पल्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, SCR को टर्न ऑन करेंगे, टर्न ऑन। तो अभी ये हमारा क्या है, एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर है जो कि एक पल्स प्रोवाइड कर रहा है, उस पल्स की हेल्प से आगे चल के हम लोग SCR को टर्न ऑन करेंगे। तो अभी एग्जैक्टली यूजीटी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, यूजीटी एग्जैक्टली नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, अभी यूजीटी के अंदर एक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होता है वो देखा, उसका वर्किंग देखा, कैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होकर यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। और ये जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, ये जो पल्स है, इन पल्स, ये पल्स जनरेट हो गई है, अब इन पल्स जनरेट है तो इसके साथ में इसको, इन पल्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसके आगे भी एक सर्क्यूट बनाएंगे और पूरा फिर प्योर हमारा क्या बनेगा, एक यूजेटी, कंप्लीट यूजेटी, यूनिजंक्शन जंक्शन ट्रांजिस्टर फायरिंग सर्क्यूट, पूरा यूजेटी फायरिंग सर्क्यूट अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, चलिए बनाते हैं। सो चलिए गाइस देखते हैं हम लोग कि यूजेटी एज अ फायरिंग सर्क्यूट, कंप्लीट फायरिंग सर्क्यूट कैसा दिखेगा वो देखते हैं, उसका एनालिसिस देखते हैं, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का इंपॉर्टेंस समझ गए हम लोग, ये पल्स जनरेट करना था हमारा, चलिए।
तो अब हम लोग देखेंगे कि यूजेटी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, सिंक्रोनाइजिंग और रैंप यूजेटी फायरिंग सर्किट, और सेकंड है रैंप एंड पेडेस्टल फायरिंग सर्किट। इसमें से हम लोगों को ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बट फिर भी हम लोग फर्स्ट वाला पढ़ लेंगे, सेकंड वाले को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बता दूंगा सेकंड इसमें क्या कमी थी, तो ये हम लोगों को पढ़ना पड़ा, एक रीजन बता दूंगा ताकि वाइवा में काम आए, इंटरव्यू में काम आए, ठीक है। बाकी ऐसे आपको गेट एग्जामिनेशन में इतना डेप्थ में, वैसे आर और आरसी तक ही ध्यान रखना, यूजेटी पढ़ने की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। जिसको समझ में आ रहा हो आप कंटिन्यू करिएगा, नहीं आ रहा है तो दो लेक्चर जम करके आगे देखिएगा, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वाले को अब मैं सिंक्रोनाइजिंग और रैंप टाइप यूजेटी फायरिंग सर्किट समझाने जा रहा हूं। बहुत मजेदार है, समझिएगा बहुत पूरा का पूरा। ये हमारा क्या है, इनपुट जो कि एसी सप्लाई है, ये ब्रिज रेक्टिफायर की हेल्प से हम लोग क्या आई में कन्वर्ट कर दिए इसको, यहां पर वीडी डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दी, फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर वीडी में कन्वर्ट कर दी। अब ये जो वीडी की वैल्यू है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा आती है इनपुट के, इसका एम्पलीट्यूड कितना रहता है, वीडी का जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग लगभग इनपुट के बराबर आता है, बट हमें चाहिए थोड़ा सा रिड्यूस्ड वोल्टेज चाहिए। अब रिड्यूस्ड वोल्टेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देते हैं, दैट इज आर वन रेजिस्टेंस, तो कुछ वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ हो जाएगा, देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ पर एक वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू कम हो गई, ठीक है, हमें चाहिए इतना मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए था, इतना एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए, उससे कम चाहिए, तो हमने रेजिस्टेंस लगा दी, यहां वोल्टेज का ड्रॉप होगा, देन हमें कुछ वोल्टेज मिलेगा, नेटवर्क अगर आता है तो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आपको। अब ये जो वोल्टेज है ये स्टेबल वोल्टेज नहीं है, बट वी वॉन्ट स्टेबल वोल्टेज, और स्टेबल वोल्टेज, वोल्टेज को अगर स्टेबल करना है हमें तो क्या लगाना चाहिए, हमें जीनर डायोड। तो फॉर स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एक जीनर डायोड यूज करेंगे, एक जीनर डायोड यूज करेंगे, ठीक है। एनालॉग पढ़ा होगा तो जीनर डायोड का एक एप्लीकेशन होता है वोल्टेज स्टेबलाइजिंग, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन हमें क्या मिलेगा, एक स्टेबल वोल्टेज मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, स्टेबल वोल्टेज VZ, ये हो गया हमारा स्टेबल वोल्टेज। कहां तक जर्नी स्टार्ट हुई, देखिए किस तरीके से हम लोग लेके आ रहे हैं। अब इस स्टेबल वोल्टेज को हम लोग डायरेक्टली किस पे यूज करेंगे, हमारे जो हमारा VBB था ना, जो अभी हम लोगों का यहां पे था, कहां गया, यूजेटी में, ये जो VBB था ना, यहां पर हम लोग यूज करेंगे, अब यहां पे यूज करेंगे VBB को, ठीक है, यहां पे यूज करेंगे। चलिए अब क्या करें, हमारा रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का सर्किट बना लेते जल्दी से। रिलैक्सेशन का ऑसिलेटर का जो सर्किट है हमारा कैसा है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, ठीक है, और यहां पर हम ये बोल सकते हैं, ज्यादा बना दिया हमने, ठीक है, ये हो गया हमारा आरसी, ये पूरा बना देते हैं हम लोग इसको अच्छे से, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस RB2 RB1, ठीक है, और ये अब हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गया, अब ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, अब ये हो गया हमारा सप्लाई वोल्टेज। बट दिक्कत ये थी कि ये जो रेजिस्टेंस था ये हमें क्या दे रहा था, पावर लॉस दे रहा था, इस वजह से हमने क्या करा, इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं और इसकी जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लगा देते हैं इंडक्टर, और इंडक्टर कैसे लगाएंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ पल्स ट्रांसफॉर्मर, विद द हेल्प ऑफ पल्स ट्रांसफॉर्मर हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से पल्स ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन कर देंगे, ये हमने लगा दिया इंडक्टर, रेजिस्टेंस की बजाय हमने क्या लगा दिया, इंडक्टर, क्योंकि ये हमारा एक्टिव पावर लॉस नहीं होता है इसमें, है ना, ये बात पता होगी आपको। और यहां पर हम चाहते हैं कि जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी मान लीजिए अगर हमें एक ही SCR स्टार्ट करना, तो एक ही सेकेंडरी वाइंडिंग लगाएंगे, मान लीजिए दो SCR स्टार्ट करना है हमें, दो SCR को टर्न ऑन करना है, तो हम यहां पर दो सेकेंडरी भी लगा सकते हैं, दो सेकेंडरी, सेकेंडरी वन, इस सेकेंडरी को अगर हम लोग तोड़ देंगे तो ये दो SCR तक भी हमारा पल्स जा सकता है, दो SCR तक भी हमारा क्या जा सकता है, पल्स जा सकता है। तो ये हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ये हम लोग किस पे कनेक्ट कर देंगे, हमारे सपोज करो एक SCR हमारा ऐसा है, ये कुछ इस तरीके से हमारा SCR है, ठीक है, तो इस SCR पे हम लोग इस तरीके से प्लस माइनस जी एंड के, देन एक और अगर हमें SCR स्टार्ट करना है तो ये प्लस जी एंड के, समझ गए। तो
तो अगर नंबर ऑफ बहुत सारे चार या पांच या छह अगर हमें एससीआर स्टार्ट भी करना तो हम लोग पल्स ट्रांसफॉर्मर, इसको बोलते हैं पल्स ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। आगे चल के पल्स ट्रांसफॉर्मर भी थोड़ा सा बता दूंगा, उसका यूटिलिटी बता दूंगा। तो पल्स ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम लोग दो या दो से ज्यादा भी हम लोग एससीआर टर्न ऑन कर सकते हैं। समझ में आया। अब हम लोगों ने यहाँ पे इंडक्टर रेजिस्टेंस की जगह क्या कर दिया, इंडक्टर कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पर ये जो आपका वोल्टेज था यहाँ पे n टाइम्स ऑफ वी जेड वोल्टेज कौन सा आएगा आपका, n टाइम्स ऑफ वी जेड वोल्टेज आएगा। पिछली बार कौन सा था यहाँ पे, वीबीबी को ही हम लोगों ने किया था, बट इस बार ये वोल्टेज है कुछ यहाँ पे ड्रॉप और कुछ यहाँ पे ड्रॉप। तो यहाँ पर इस जब ये सप्लाई, ये जो ई टर्मिनल है जब ये ओपन रहेगा तब इस रेजिस्टेंस की हेल्प से और इस वोल्टेज की हेल्प से इसको हम लोग चार्ज करेंगे, देन इसको क्लोज करेंगे, तो ये जो भी चार्ज होगा ये वापस से डिस्चार्ज होगा और ये हमारा पल्स ट्रांसफॉर्मर 1:1 का हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। समझ में आया। अब जल्दी से हम लोग वेवफॉर्म देख लेते हैं। दैट इज अवर यूजेटी फायरिंग सर्क्यूट, यही हमारा क्या है, यूजेटी फायरिंग सर्क्यूट है। अब जल्दी से हम लोग क्या देख लेते हैं, वेवफॉर्म देख लेते हैं। चलिए वेवफॉर्म बना लेते हैं जल्दी से। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या बना देते हैं, इनपुट की वेवफॉर्म बना देते हैं। तो इनपुट की वेवफॉर्म क्या होगी हमारी, इनपुट की वेवफॉर्म इस तरीके से, ठीक है, एसी। और फिर हम लोग बना देते हैं, आउटपुट की वेवफॉर्म। ध्यान से देखिएगा, तीन चार वेवफॉर्म एक साथ बना दूंगा मैं यहाँ पे। आउटपुट की वेवफॉर्म देख लेते हैं। तो आउटपुट की वेवफॉर्म किसकी बना रहा हूँ मैं, सबसे पहले ये बना रहा हूँ वीडी फुल वेव रेक्टिफायर का, जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो आउटपुट आएगा वो बना रहा हूँ, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर का वीडी। अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पिछले उसमें जाते हैं हम लोग कि वीडी के बाद क्या होगा, थोड़ा सा कम वोल्टेज रहेगा और वीजेड का वेवफॉर्म आएगा, वीजेड का वेवफॉर्म आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर मुझे वीजेड का वेवफॉर्म बनाना है तो वीजेड का वेवफॉर्म मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ। वीजेड का वेवफॉर्म अगर मुझे बनाना है तो मैं ये बोल दूंगा ये वीडी है और मैं वीजेड का वेवफॉर्म बनाऊँगा, तो वीजेड का वेवफॉर्म यहाँ पर क्लिप होगा कुछ ना कुछ। ये हमारा क्या है, वीजेड का वेवफॉर्म, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ है हमारा ये क्या है, वीजेड का है। और यहां पर हम लोग बोल देंगे कि ये देखिएगा ये वीजेड है, देन एन वीजेड क्या होगा, और थोड़ा सा कम रहेगा एन वीजेड, क्योंकि यहां पर वोल्टेज डिवाइड होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ है, चलिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, कलर ये वाला यूज कर लेते हैं, तो ये जो है यहां पे इसको हम बोल सकते हैं ईटा टाइम्स वीजेड, इसको क्या बोल सकते हैं, ईटा टाइम्स वीजेड बोल सकते हैं। अब देखिएगा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का अगर हमें पता करना हो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का तो देखिएगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का वेवफॉर्म बनाएंगे। अब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का वेवफॉर्म भी क्या होगा, दो चीजों के लिए होगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पे खासा डिपेंड करेगा। हाई वैल्यू भी हो सकता है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू एक लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। तो सपोज करो हम लोग अभी लो वैल्यू ऑफ इसके लिए बनाए, सबसे पहले किसके लिए कर दे, लो आर के लिए सबसे पहले वेवफॉर्म बना दे। तो लो आर के लिए अगर वेवफॉर्म बनाएंगे हम लोग तो किस तरीके से बनेगी लो आर के लिए देखिएगा वेवफॉर्म कैसे बनेगा। यहां से चार्जिंग हुआ, रेजिस्टेंस कम है तो जल्दी से चार्ज और जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना, लो वैल्यू है तो टाइम कांस्टेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये रहेगा, यहां से स्टार्ट हुआ चार्जिंग डिस्चार्जिंग। और अगर मुझे आउटपुट वेवफॉर्म अगर देखना है, तो कैसे दिखेगा मुझे आउटपुट वेवफॉर्म, यहां पे ये हो जाएगा हमारा आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट पल्स ट्रांसफॉर्मर के यहां पे आउटपुट, ठीक है, पल्स ट्रांसफॉर्मर के यहां पे आउटपुट जो देखना है तो वो जब हमारा ये मैच होगा तभी हमें आउटपुट दिखेगा, तभी यहीं पे दिखेगा आउटपुट। तो ये जो आउटपुट है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें, पल्सेस, ठीक है। अब आप देखिए
एक साइकिल में, एक हाफ साइकिल में, इस इनपुट के एक हाफ साइकिल में कितनी पल्सेस है? दो पल्सेस है, बट हमें SCR को ऑन करना है तो एक ही पल्स की जरूरत पड़ेगी ना हमें, तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजेटी, लो वैल्यू ऑफ R, लो वैल्यू ऑफ R के लिए क्या होगा, आपकी एक पल्स क्या होगी, एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगी, दैट इज अवर डिसएडवांटेजियस। ये कोई एडवांटेज थोड़ी है, हमें चाहिए एक, देखिए एक हाफ साइकिल में, इनपुट के एक हाफ साइकिल में क्या हुआ है, दो पल्स जनरेट हो गई जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर हमारा जो यूजेटी है, जब लो आर की वैल्यू अगर है, लो आर की वैल्यू है, तब हमें क्या मिल रही है, कि एक्स्ट्रा पल्स मिल रही है, दैट इज दैट विल बी अनवांटेड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हाई वैल्यू आर के लिए देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हाई वैल्यू ऑफ आर के लिए भी हम लोग वेवफॉर्म देख लेंगे, और इसी यही जो डिसएडवांटेज है आपका यूजेटी में, इसी डिसएडवांटेज को क्या करते हैं, ये वाला जो रैम टाइप एंड पेडेस्ट्रियल फायरिंग सर्क्यूट है इसमें ओवरकम करते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ये कहां पे यूज होगा, ये यूज होगा जहां पे लो आर है, लो आर के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, बिकॉज सिंक्रोनाइजिंग वाले में लो आर में क्या हो रहा है, लो आर में एक्स्ट्रा फायरिंग सर्क्यूट, जो एक्स्ट्रा पल्स है वो जनरेट हो रही है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो जल्दी से हम लोग अभी वापस से देख लेते हैं कि हाई वैल्यू में कैसा रहेगा। तो लो वैल्यू में जो एक्स्ट्रा पल्स हो रही है ये हाई वैल्यू में नहीं आएगी, चलिए देख लेते हैं वो भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं हाई वैल्यू के लिए, ठीक है, हाई वैल्यू के लिए देख लेते हैं। डायरेक्टली मैं आउटपुट वेवफॉर्म ही बना रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली आउटपुट वेवफॉर्म ही बना रहा हूं, बार बार पूरा इनपुट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, आउटपुट वेवफॉर्म ही बना रहा हूं। किसकी आउटपुट वेवफॉर्म, फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है, ये मैं डायरेक्टली किसकी बना रहा हूं, VD की बना रहा हूं, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले हम लोग बना देते हैं ये हमारा VD, ये कौन सा है हमारा, ये हमने बना दिया, ये वोल्टेज बना दिया हमने VZ वोल्टेज, ऑरेंज कलर से कौन सा है, VZ वोल्टेज। और अब हमें बनाना है, अब हमें बनाना है ईटा टाइम्स, ठीक है, ईटा टाइम्स VZ। अच्छा ये जो ईटा होता है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.752.85, इंटरेस्टिंग स्टैंड ऑफ रेशियो की जो वैल्यू है वो होती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, हाई वैल्यू ऑफ, सेकंड केस देख रहे हैं, सेकंड केस हाई वैल्यू ऑफ आर ले रहे हैं, हाई वैल्यू ऑफ आर, इसका मतलब है चार्जिंग में टाइम लगेगा, इसका मतलब है कि जो वेवफॉर्म है आपका वो कुछ इस तरीके से वेरी होगा, देखिए ये कुछ इस तरीके से वेरी होगा, चार्जिंग देन डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो किस तरीके से मिलेगा, हमारा आउटपुट जो पल्स है वो किस तरीके से मिलेगी, जब ये यहाँ पर एक हाफ साइकिल में, इनपुट के एक हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, ये हमें एक ही पल्स मिलेगी। तो हाई वैल्यू ऑफ आर के लिए ही यूजेटी यूज करते हैं। तो यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर फायरिंग सर्क्यूट जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, हाई वैल्यू ऑफ आर के लिए। तो इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजेटी फायरिंग सर्क्यूट, तो आप क्या बोलेंगे, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम लोग कैपेसिटेंस को चार्ज करेंगे और डिस्चार्ज करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि एक्स्ट्रा पल्स आ जा रही है आपकी, समझ में आया आपको। तो इसी प्रॉब्लम को, क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ आर के लिए तो यूजेटी बेनिफिशियल है, बट लो वैल्यू ऑफ आर के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, रैंप और पेडेस्ट्रियल फायरिंग सर्क्यूट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं, इससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन की आपको कहीं पर भी जरूरत नहीं है। तो यह था हमारा पूरा फायरिंग सर्क्यूट का डिस्कशन। एक चीज और बता देता हूं मैं, पल्स ट्रांसफॉर्मर के ऊपर थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं ताकि इंटरव्यू वगैरह में काम आएगी। देखिए पल्स ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको जल्दी से, जो कि आपको काफी काम आने वाली है, पल्स ट्रांसफॉर्मर। वैसे तो किताबों में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको समझाया है पल्स ट्रांसफॉर्मर, उतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ जो काम की इंफॉर्मेशन है वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, आपका जो SCR है ना, ऐसे फायरिंग सर्क्यूट फिनिश हो गया, मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए SCR है आपका एनोड कैथोड, और यहां पर इससे कनेक्टेड लोड भी रहेगा आगे चल के, लोड, और यहां पे आपका बैटरी भी रहेगा, ये आपका एनोड और कैथोड के बीच में बैटरी सप्लाई वोल्टेज, एनोड और कैथोड,
ठीक है। और ये जो है गेट टर्मिनल, ये है आपका क्या है, गेट टर्मिनल। अब ये जो सर्किट होता है, ये जो सर्किट होता है, ये होता है हाई पावर सर्किट, हाई पावर, क्योंकि इसका जो लोड है वो आप मेजरली हम लोग SCR वगैरह को कहाँ यूज कर रहे हैं, जहां पर हमें हाई पावर जो एप्लीकेशन है उसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये है हमारा जो है हाई पावर सर्किट है, ये हाई पावर सर्किट है। और जो गेट में यूज करेंगे, गेट और कैथोड टर्मिनल पे, गेट और कैथोड टर्मिनल पे मान लीजिए हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर? पल्स ट्रांसफार्मर, जो कि अभी हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। पल्स ट्रांसफार्मर यूज किया ना UJT में, वैसा ही पल्स देने के लिए हम लोगों ने यूज किया 1:1 का। और इस साइड में क्या है पूरा का पूरा, ये है आपका गेट फायरिंग सर्किट। क्या है ये? गेट फायरिंग सर्किट, जो जिसका नेचर क्या है, लो पावर, जिसका नेचर क्या है, लो पावर। और ये हम लोग यहां से देते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने देखिए अभी जस्ट देखा ना, कहां देखा हमने, ये वाला है ना, देखा हम लोगों ने, ये जो गेट है हमारा, ये जो गेट टर्मिनल है, ये सेकेंडरी पे कनेक्टेड है। देन इसके बाद पे पूरा का पूरा ये जो सर्क्यूट है, ये जो वोल्टेज है, ये सब चीजें हैं, ये सारे के सारे क्या है, लो पावर है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे लो पावर एप्लीकेशन से, ठीक है। तो अब हम लोग वापस से जाते हैं पल्स ट्रांसफॉर्मर, ये तो इधर है हाई पावर सर्क्यूट और इधर क्या है, लो पावर सर्क्यूट। तो ये जो पल्स ट्रांसफार्मर है, ये क्या काम करता है, ये आइसोलेशन, ट्रांसफार्मर का स्पेशलिटी क्या है, टू आइसोलेट, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। ट्रांसफार्मर क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, और वही उसकी खासियत यहां पे काम आ गई कि एक हाई पावर सर्क्यूट और एक लो पावर सर्क्यूट में अगर हमें बैलेंस करना है, दोनों को एक लेवल पे चलाना है, तो हमें इन दोनों के बीच में आइसोलेशन तो रखना पड़ेगा। और उस आइसोलेशन को कौन सक्सेस कर रहा है, हमारा पल्स ट्रांसफार्मर। तो पल्स ट्रांसफार्मर का जो मेन यूटिलिटी है वो क्या है, टू आइसोलेट या आइसोलेशन बिटवीन लो पावर एंड हाई पावर सर्क्यूट। समझ में आया? तो ये कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पल्स ट्रांसफार्मर के ऊपर पूछ लेते हैं, इसलिए आपको बता दिया है। तो ओवरऑल आपका पूरा का पूरा फायरिंग सर्किट का जर्नी यहां पे फिनिश होता है। हमने स्टार्ट किया था रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट से, जिसका समरी देता हूं मैं, जस्ट मैं समरी बता देता हूं आपको। हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट से, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आर फायरिंग सर्किट। फायरिंग सर्किट क्या है कि गेट को जो पल्स दे रहे हैं, वो जो पल्स सिग्नल जा रहा है, गेट सिग्नल जनरेट करने के, जो गेट सिग्नल दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, SCR टर्न ऑन हो रहा है, उस पूरे सर्क्यूट को या पल्स को जनरेट करने के लिए पूरा जो सर्क्यूट पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फायरिंग सर्क्यूट, गेट फायरिंग सर्क्यूट। तो यहां पर रेजिस्टेंस फायरिंग सर्क्यूट में दिक्कत यह थी कि अल्फा लेस देन 90 डिग्री के लिए यह आउटपुट देता था, ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए आउटपुट पॉसिबल नहीं था। सेकंड हमने देखा RC फायरिंग सर्क्यूट, जिसमें हमारा क्या था कि अल्फा जीरो से लगा के कहां तक, 0 to 180 डिग्री तक अल्फा हमारा वेरी कर सकता था, ठीक है। बट उसमें रेजिस्टेंस और RC फायरिंग सर्क्यूट दोनों में क्या क्या डिसएडवांटेज थे हमारे, दोनों में डिसएडवांटेज थे कि फीडबैक कंट्रोलर वगैरह में यूज नहीं कर सकते थे हम लोग, और रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर, मोर पावर डिसिपेशन होता था, जिसकी वजह से हम लोग क्या लेके आए, UJT फायरिंग सर्क्यूट लेके आए। UJT में पूरा कमाल हो गया, बट इसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज और हुआ, सारा चीज इसने कर दिया बढ़िया से। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह यूजेटी में हमने रिलैक्सेशन ऑसिलेटर पढ़ा पहले, और फिर देखा कंप्लीट UJT एज अ फायरिंग सर्किट कैसा दिखता है वो देखा। बट इसमें भी क्या था कि यहाँ पर लो वैल्यू ऑफ R के लिए, लो R के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हाई R के लिए था। रेजिस्टेंस की हाई वैल्यू से अगर हम चार्ज करेंगे तो सही था, लो के लिए नहीं था। देन हम लोग फोर्थ पे गए, रैंप एंड पेडेस्टल फायरिंग सर्क्यूट, ठीक है, फायरिंग सर्क्यूट कर देते हैं, ठीक है, समझ जाओगे इतने में। इसमें क्या हुआ है कि लो वैल्यू ऑफ R के लिए किया है, बट अब इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है आपके गेट एग्जामिनेशन के लिए, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, UJT जो है वो इंटरव्यू के लिए खासा काम का है, ठीक है। बस ये हो गया फायरिंग सर्क्यूट का पूरा डिटेलिंग, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।